शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। शुद्ध बेटा, क्या लिखा है इसमें? पापा जी, ये वरुण जी ने चाचा जी, हम बताते हैं, ये तो बता नहीं पाएंगे। वरुण जी हमसे इतना प्यार करते थे ना कि उन्होंने अपना सब कुछ हमारे नाम लिख दिया। देखिए ना, वरुण जी तो चले गए, पर इस घर से, आप सब से हमारा रिश्ता ना टूटे, इसीलिए ये चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। अब इस घर के आधे हिस्से की मालकिन हम बन गए, तो हम और हमारे पति जी आराम से रहेंगे अपने हिस्से के घर में, और परिवार भी नहीं टूटेगा। कीर्ति, क्या करने जा रही है तू? बहुत बड़ी गलती कर रही है तू कीर्ति, तुझसे कह रही हूँ, अभी वक्त है, संभल जा। ऐसा ना हो कि बाद में तुझे बहुत पछतावा हो उस बात का। नहीं पछता तो हम अभी ही रहे, आपकी बातों पे भरोसा करके। ये सब आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने हमारे वरुण जी की बलि चढ़ा दी, मार डाला उनको आपने। सबान संभाल के कीर्ति। खबरदार, हमसे ऊंची आवाज में बात मत करना। और हम भी क्या चिल्ला रहे हो? आज तक ये इस घर में त्रिपाठी निवास में जो भी हुआ है वो सब तुम्हारी बीवी की मेहरबानी से हुआ है। कैसे भी करके तुम अपनी सारी गलतियों का इल्जाम श्रद्धा पे लगा ही देती हो। इस बार क्या सोचा तुमने? हाँ, कहीं श्रद्धा ने तुम्हारी शादी तो नहीं करवा दी? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो तुम्हारी नई माँ को जो घर में लेकर आई, जिन्होंने हमें सुहाग को लेकर ताना मारा, बस उनका वही आइडिया हमें पसंद आ गया। तो इसके आगे जो भी सवाल है ना, तुम इनसे पूछो, क्योंकि सारी फसाद की जड़ ये है। वैसे आप लोग तो हमारा स्वागत नहीं करेंगे ना, आप लोग का मातम जो चल रहा है, तो हम अपना और अपने पति का अपने घर के हिस्से में खुद ही स्वागत कर लेंगे। क्यों पति जी? हमारी मेहरारू हमसे कुछ कहे और हमारा ध्यान कोई और की मेहरारू पे हो, ऐसे तो हम बिल्कुल भी नहीं है, वेरी वेरी मच बिल्कुल भी नहीं है। तो बीवी जी, आप तो हमें बस आगे का रास्ता दिखाइए। चलो, दो एकम दो, दोनी चार, आखन ही आखन में हो गया प्यार। तीन दूनी छह, चार दूनी आठ, प्यार हुआ ऐसे भूल गए हर चांद। क्यों किया कीर्ति ने ऐसा? उस गुलाल से शादी कर ली? कि क्या, क्यों क्या, क्यों क्या लगाया हुआ है तुमने? आखिर बहनें हो ना, तो हरकतें भी एक जैसी होंगी। अरे बाहर से कोई भी कूड़ा करकट को उठा के घर पे ले आना, जैसे तुम इस औरत को लेके आई हो। और तुम्हारी बहन कीर्ति दूसरे को ले आई।
अरे ये दोनों बहनों ने ना इस घर को एक सस्ता सराय बना दिया है। तनुजा, अरे श्रद्धा तो सबके भले की बात। अरे तुम चुप रहो, एकदम चुप। ये सारी आग ना तुम्हारी लगाई हुई है, जिसकी चिंगारी हमारे पूरे घर पे फैल गई। अरे चुप हो जाओ सब, मुसीबत आ गई है ना सर पे, अब शांति से बैठ के सोचें इससे निकले कैसे। फिर से इन पे हाथ उठाने की ना कभी हिम्मत मत करिएगा आप। ये आपकी छोटी बहन के हमारे पति जी हैं। ये हमारे पति हैं, इनके साथ हम इसी घर में रहेंगे। कैसे कर सकती है कीर्ति इतनी बड़ी गलती। मैं मानती हूँ कि वो मुझसे नाराज है, तो मुझसे बदला लेने के लिए वो अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करेगी क्या? श्रद्धा, मुझे कीर्ति के लिए बहुत डर लग रहा है अभय। और सच कहूं अभय, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था। कीर्ति के दिमाग में कुछ तो चला। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने हमेशा कीर्ति की मदद की, उसका साथ दिया। अब ये बात अगर उसे समझ में नहीं आ रही है ना, तो उसकी दिक्कत है। नहीं अभय, जैसे आप दिक्कत समझ रहे हैं ना, तो मुझे डर है कि आगे जाके वो सबकी मुसीबत का कारण ना बन जाए। मुसीबत तब बनेगा जब हम उसे बनने देंगे। और मैं पहले तुम्हें बोल रहा हूँ श्रद्धा, ये कीर्ति की जिंदगी, उसे जीने दो। तुम बीच में नहीं आओगी। जब उसने ये सब कुछ करने से पहले हमारी सलाह नहीं ली, तो हमारा बनता भी नहीं सलाह देना। नहीं अभय, उसने जो लड़का अपने लिए ढूंढा है वो गुलाल, वो सही नहीं है। कॉलेज के दिनों से जानते हैं हम उसे, ना बात करने का सलीका, ना कोई तौर तरीका, एक नंबर का जाहिल है वो। आते जाते लड़कियों को परेशान करना, कॉलेज के लड़कों के साथ मारपीट, यहाँ तक कि उसने कॉलेज के प्रोफेसर तक को नहीं छोड़ा। अब है इससे शादी की है कीर्ति ने, वो नहीं जानती थी गुलाल जहाँ जा रहा है वहाँ काली पोत रहा है बस। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है अब है। कीर्ति उसके बारे में सब कुछ जानती थी, फिर भी उसने इस गुलाल से क्यों शादी की? मतलब कीर्ति ने ये सब कुछ सोच समझ के की है? अब है कीर्ति ने ये सब कुछ अपनी जिद में किया है, बहुत जिद्दी है वो, मगर वो ये नहीं समझ रही कि ऐसा करने से वो सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रही है। हमें उसे रोकना होगा अब है। श्रद्धा, कुछ भी करने धरने का टाइम चला गया है। कीर्ति ने शादी कर ली, जमाई राजा घर आ गए हैं। अब है, मैं इस वक्त सिर्फ इतना जानती हूँ कि कीर्ति की ये शादी कहीं उसकी बर्बादी का कारण ना बन जाए। और इसे कैसे रोकना है ये मैं जानती हूँ। कैसे पता चलेगा बेबी जी के दरवाजे पे कौन है, जब तक आप बताइएगा नहीं कि कौन पठार रहा है। आप भी ना पति जी, साली जी आई है आपकी। अरे रे रे रे, साली साहिबा, पहले बेबी जी को चाय तो पिलाई दे, ये लीजिए, उसके बाद भेजवा कर लेंगे साली जी से। साली को पूरी दुनिया कह रही आधी घर वाली, हम तो घर को देख के ही खुश हो गए। अपना दिल खाली ना घर खाली, दूर रहा नहीं गया आपसे तो पास आ गए। अरे हमारा जलवा ही कु अरे सासू माँ आप प्रणाम, भाग्य खुल गए हमारे लिए आपके, जो आपको दर्शन हुए आपके जलवेरा जमाई के। और पीछे क्या करें, फटाफट आगे आइए, आगे आइए। और आशीष, ओहो ससुरा,
हमारा मतलब ससुर जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे? वेरी मच ओके, तो हम खुद ही को आशीर्वाद दे देते हैं, सौभाग्यशाली भवा। बाकी तो जाकी रही श्रद्धा जैसी, गुलाल मुहूर्त देखे तिन तैसी। कर आई ना हमारी चुगली मम्मी के पास, फिर हमसे पूछती कैसी जलन। अरे दीदो दिखा दी ना अपनी औकात। कीर्ति अपनी बड़ी बहन से तुम इस तरह से बात करने लगी हो आजकल? अरे जब तुम्हारी भाषा ऐसी हो गई है तो शर्म तो तुम पहले ही बेच खाई हो। कीर्ति इतना बड़ा कदम उठाते हुए एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में तो सोचा ही नहीं होगा तुमने। हाँ नहीं सोचा, यही समझ लीजिए। बहुत अच्छा हुआ कीर्ति कि सक्षम जी यहाँ नहीं है, काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए। कीर्ति अगर वो तुम्हें इस तरह देखते ना, तुम्हारा ये रूप देखते ना, तो वो सह नहीं पाते। एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया तुम्हें ये सब करते हुए। क्यों आता आपका ख्याल? आपको फिक्र है हमारी? आपको तो बस दीदू का दर्द दिखता है। पहले भी आप लोगों हमारी जिंदगी बर्बाद की, इस बार नहीं, ये हमारी जिंदगी है, फैसला भी हमारा होगा। कीर्ति कैसे बातें कर रही है तुम मम्मी से? क्या माँ बाप का हक भी नहीं है कि वो जाने कि उनके बच्चे किस गलत रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या जिम्मेदारी है माँ बाप की बताइए ना, क्योंकि जब हमें विधवा होने का ताना मिल रहा था, पूजा में हमारी बेइज्जती हो रही थी, ये लोग कहीं नहीं थे, आप लोग कहीं भी नहीं थे, अब घर बस गया है हमारा, फिर से हमारे जीवन में खुशी आई, तो लो ग्रहण बन के आगे चिंता दिखाने। कीर्ति इतनी जबान चलने लगी है तुम्हारी? मम्मी नहीं, माँ से बढ़कर अपने बच्चे का दर्द कोई और नहीं समझ सकता है। कीर्ति बेटा हमें पता है तुम पर क्या कुछ बीती है, तुमने क्या कुछ सहा है, पर बेटा माँ बाप का ये भी तो हक होता है ना कि अपने बच्चे के जीवन में आने वाले दुखों से उसको बचा सके। देखो कीर्ति बेटा ये लड़का ना, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कीर्ति कीर्ति बेटा हम तुम्हारी शादी को नहीं मानते बेटा, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे शादी को। करिएगा साचू जी, ये कोनो बात नहीं हुई है, हम नहीं मानते इस बात को, बिल्कुल भी नहीं मानते। ये ब्याह ना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल ना है कि जब मन किया गुड्डा बदल दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। और तुम्हारी लाडली पगला गई है हमारे प्यार में। हाँ हम तो कहते हैं हमारे हाथ लीजिए, हाथों छोड़ हाथ, इसका हाथ हमारे हाथ। अरे क्या चाहते हो तुम, हमारे बच्चे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? नहीं मम्मी, शादी का प्रस्ताव पति जी की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से था, और इस घर में, हमारे घर में, हम अपने पति जी की और बेइज्जती नहीं सह सकते, तो आप लोग निकल जाइए। इतनी बड़ी हो गई है तो कीर्ति हमें अपने घर से बाहर जाने के लिए कहेगी? हाँ हमने कहा, हमें ना बहुत पहले कह देना चाहिए, जाइए। ठीक है बेटा अब चलते हैं। नहीं मम्मी, यहाँ से इस तरह चले जाने से कुछ नहीं होगा, सामने बात करके ही इस बात का हल निकलेगा। कीर्ति को तो जानती है ना, गुस्से में आके पता नहीं क्या कुछ बोल देती है, इसीलिए मम्मी। श्रद्धा इस माँ को समझ में आ गया कि ये जब तक खुद से धोखा नहीं खाएगी ना, ये नहीं समझेगी, नहीं समझेगी। क्यों
मम्मी मम्मी प्लीज रुकिए मम्मी। नहीं श्रद्धा, अब तुम इस बात के बारे में और नहीं सोचोगी। बेटा, हम किसी को बस समझा सकते हैं, पर उसके और उसके किस्मत के बीच नहीं आ सकते। वो गुलाल, वो कीर्ति के लायक है ही नहीं, जिसे कीर्ति खुद चुन के इस घर में ले आई है, और अब वो बन गई है उसकी बीवी जी। क्या बात है बीवी जी, मतलब अपने पति के इज्जत के लिए अपने सासू माँ को लप चलता कर दिया। क्या बात है। औकात में रहो अपनी, बीवी नहीं है हम तुम्हारे। गलती से भी अपनी जगह, और ये बात मत भूलना कि पति जी तुम सिर्फ हमारे नाम के। ये शादी असली नहीं है, नकली है। असली बात कुछ और है, इतना तो मुझे पता है कि तुझे इस गुलाल से कोई प्यार व्यार तो नहीं है। मुझे डर लग रहा है कीर्ति, कहीं तू इस गुस्से की आग में बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। आखिर ये कर क्या रही है तू कीर्ति? क्या करने आए हो यहाँ? याद रहे, ध्यान वहीं रखो। वही वास्ते तो आए रहे, कैसन भूल सके। भुलाई नहीं पाए स्कूल का वो पहला दिन, पीले सूटवा में कैसन सहेलियां के साथ खिखिया आई रही तुम्हें, और हम का चक्कर वहीं पे तुम पे एकदम लमलटी आए गए। फिर फंक्शन पे नाचे, इतना घिनौना मजाक। वो जो झुमका पहनी रही तू जो गिर गया रहा, आज भी संभाले रखे हैं वो झुमका भी और तुम्हारी याद भी। पीले सूटवा स्कूल का वो पहला दिन, पीले सूटवा में कैसन सहेलियां के साथ खिखिया आई रही तुम्हें। ये छिछोरा, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। अच्छे से संभालना आता है ऐसे छिछोरों को मुझे, और आज जो इसने किया है ना। अभय, ये त्रिपाठी है, जलवेदार जमाई का जलवा भी तक समझ नहीं सके, तो हमें ही ऐसा बंदोबस्त कर दिए कि तारीफ हमारी करने अब मुंह खोल रहा कोई और। आप बस धैर्य रखिए, बस आते ही होंगे। कीर्ति, गुलाल, बाहर निकल। अरे साले, सॉरी माय मिस्टेक, आप तुम्हारे साधु हुए। अरे हम दोनों तेरा साला साधु ना मैं निकालता हूँ। जो खटिया हरकत तूने मेरी बीवी के साथ की है ना, उसका सारा हिस्सा मैं तेरी बैंड बजा के लूंगा। अरे अरे भाई, सबर रखो। क्या कोने को माटा वाटा आ गई है क्या अंदर? मैं बैठे हाथ छोड़ने आ गए अपने जलवे जमाई पे। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? बताओ क्या हुआ? क्या करें? हम अपना एक पति खो चुके, अगर तुमने उंगली भी उठाई ना हमारे पति पे, तो हम पुलिस बुला लेंगे। चलिए, होश में है तो कीर्ति? पता भी है क्या बोल रही है? इस घटिया लड़के की घटिया हरकत जानती है, फिर भी तू इसका साथ दे रही है? इसने जो हरकत की है ना, उसके लिए तो इसे जेल जाना चाहिए। हाय 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 हाय, जितना प्यार हम सच से करें ना, उससे ज्यादा प्यार सच बोलने वाले से करते हैं।
यानी कि हम सच बोलते हैं श्रद्धा श्रद्धा साली जी बहुत पसंद करते थे तुम्हें किसी जमाने गलत तो नहीं बोल रहे ना बीवी जी क्या हमने सच कह के कुछ गलत तो नहीं कर दिया बिल्कुल नहीं हम तो कहते हैं सच के ऊपर कुछ होता ही नहीं है और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती पति जी किसी को समंदर की हवा पसंद थी तो किसी को चिलचिलाती धूप पसंद थी अरे गुनाह क्या हुआ इस छलवेदार जीजा को जो उसने सच कहा कि उसे साली पसंद थी चलो श्रद्धा हाँ जाओ 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 हम भी चले अपनी नींद पूरी करने पकाई दियो तुम लोग पकाई दियो हमको चले क्या अभी और तमाशा देखने आप जाइए अभय मैं आती हूँ मुझे कीर्ति से कुछ जरूरी बात करनी है आपके पति और तमाशा देखने के लिए रुकना नहीं चाहते थे कमाल है अपना तमाशा किया और निकल लिए अब आपकी बारी है नाटक करने की करी नाटक तो तू कर रही है कीर्ति और ये बात गुलाल भी जानता है कि तू उससे सिर्फ प्यार का नाटक ही कर रही है सब लोग आपकी तरह शक की दुनिया में नहीं रहते कह रही है ना तू तो वरुण जी की तस्वीर के ऊपर हाथ रख और कसम खा कि तू भूल चुकी है इन्हें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है हाथ रख और कसम खा कैसे कहां जा रही हैं आप किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग